also made new friends. आज की इस वाली वीडियो में हम BlueStacks 2 को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने लो एंड पीसी में। BlueStacks 2 के बारे में कुछ लोग नहीं जानते, ये एक ऐसा एमुलेटर है भाई जो कि लो एंड पीसी में चल जाता है, मतलब किसी भी टाइप के पीसी में आप इसको प्ले कर सकते हो। BlueStacks 2 उस टाइम पे रिलीज हुआ था जब टाइम पे भाई विंडोज XP जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता था, तो आप ये सोच सकते हो कि भाई इतना ज्यादा लो एंड एमुलेटर है। BlueStacks 2 के बारे में एक चीज क्लियर कर दूंगी, अगर आपके सिस्टम में 1GB रैम है तब भी आप BlueStacks 2 को एक परफेक्ट सेटिंग में खेल सकते हो। ये वहाद ऐसा एमुलेटर है जो किसी भी टाइप के कंप्यूटर में चल जाता है। इस एमुलेटर को जो ज्यादा यूज्ड है वो यही है कि आप इसमें WhatsApp बिजनेस एप्लीकेशन या फिर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट के एप्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आप डिसेंट टाइप की जितनी भी गेमिंग है वो इसमें कर सकते हो। आपके सिस्टम में Core 2 Duo का भी Pentium का प्रोसेसर है ना, एक कोर चाहिए भाई, एक कोर तो हर एक में होता है। ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बगैर आप इस एमुलेटर को खेल सको। हम यहाँ पर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, आपको BlueStacks करके ये इंस्टॉलर डाउनलोड करना है जिसका लिंक अवेलेबल होगा कमेंट सेक्शन में। अगर डाउनलोड करना नहीं है तो हाउ टू डाउनलोड वाली वीडियो देख लो, चिलो। इंस्टॉलेशन करने से पहले मैं आपको एक एरर बता देता हूँ, ये स्क्रीन पे आप जो एरर देख पा रहे हो ना, अगर आपको ये एरर आ रहा है ना पब्लिक, तो आपने करना है कि BlueStacks का ये वाला नाम रखना है। अब ये नाम मैं यहाँ पे स्क्रीन जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें BlueStacks_ डाल के यहाँ पे आपने thinstaller.exe, तो आपका ये एरर फिक्स हो जाएगा, जो कि अभी फिर दफा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये वाला एरर। तो ये आपने नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर लेने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे एग्रीमेंट का मिलेगा, यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टरी पूछेगा आपको कहाँ पे इंस्टॉल करनी, ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्टरी बी जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर मैं लोकल सी में जाता हूँ, लोकल सी में जाने के बाद यहाँ पर एक न्यू फोल्डर मैंने बनाया हुआ, तो इसका मैं रिनेम नाम रख के ना BlueStacks 2 मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया, ठीक है। मैं इधर इंस्टॉल करूंगा हिट, यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूंगा एंड इंस्टॉल, यहाँ पर आपने इन दोनों को टिक कर देना है एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दे। आपका BlueStacks जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, इसको अनचेक करके फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। इस वाले एमुलेटर में आपको कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि किसी भी कंप्यूटर में ना चले, लेकिन तब भी अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, लॉन्च नहीं हो रहा, तो ड्राइवर्स भी अपडेट कर लिए तब भी नहीं चल रहा, तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, कंपैटिबिलिटी में जाके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके यहाँ पर आपने विंडोज का जो है वो 95 या फिर विंडोज 7, इन दोनों वर्जन को ट्राई करना, किसी में चल जाएगा, ठीक है। मेरा वैसे नॉर्मली चल रहा है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आएगा, डोंट शो मैसेज को क्लिक करना है, क्योंकि मेरे सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है। जिस तरह के मैंने बताया कि भाई ये तब रिलीज हुआ था जबकि विंडो जो 1GB रैम है ना वो भी बहुत हाई एंड मानी जाती है, ये तब के टाइम का एमुलेटर है, तो मेरे सिस्टम में ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं इसको अनचेक करके कैंसिल कर दूंगा, तो ये मेरे में लॉन्च हो जाएगा, आप में ये पॉपअप नहीं आएगा। एंड आपको जाना है यहाँ पर एंड्रॉइड के ऊपर, तो इस तरीके से आपका जो BlueStacks है वो यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। जैसे आप ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके जितने भी एप्लीकेशन है वो इसमें शो होंगे, मैं आपको भी बताऊंगा भी कैसे एप्स इंस्टॉल करने। यहाँ पर अगर आप रोटेट करना चाहें तो यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं, लैंडस्केप मोड पे अगर आप करना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, बट मैं इसको नॉर्मली रखूंगा। नीचे आपको शेक का ऑप्शन मिलता है जिससे आप एमुलेटर को शेक वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है जिससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लोकेशन शो कर सकते हो, एपीके को इंस्टॉल कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको कोई ऐप इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ये मेरे एप्लीकेशन पड़े हैं, अगर आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन पड़ा तो इस तरीके से आप इसको पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ WhatsApp एंड हिट ओके, तो जैसे WhatsApp के ऊपर क्लिक करेंगे आपका WhatsApp इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसको लॉन्च करके भी दिखाता हूँ कि ये एमुलेटर परफेक्ट तरीके से किसी भी ऐप को हैंडल कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा WhatsApp इंस्टॉल हो चुका है। नीचे आपको जो ऑप्शन मिलता है वो शेयर डायरेक्टरी का, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके पास XAPK वाली फाइल पड़ी है, वैसे इसको कोई यूज नहीं है, आप इसको यूज भी ना करें कोई इतना मसला नहीं है, तो इसके कुछ एडिशनल फीचर जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अब हम आपको कैसे आप इसमें एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना है क्रोम में, यहाँ पर इसका जो ब्राउजर दिखता है इस पर क्लिक करो, सर्च बार के ऊपर जाओ, यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल प्ले, गूगल प्ले सर्च करो एंड हिट एंटर। यहाँ पर वेबसाइट्स आ जाएंगी, आपको करना है यहाँ पर आपको नंबर 1 या नंबर 2, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल प्ले दिख रहा है इस पर क्लिक करो, गूगल प्ले स्टोर आ जाएगा, तो यहाँ से मैं गूगल प्ले स्टोर को लॉन्च कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ईमेल एंड पासवर्ड डाल के साइन इन होना है, ध्यान से देख लेना कैसे साइन इन करना है। एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करो, ईमेल एंड पासवर्ड डालो, यहाँ पर मैंने ईमेल एंड पासवर्ड डाली एंड यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, अभी आप देखें, हालांकि मेरा ईमेल एंड पासवर्ड बिल्कुल सही था, तब भी ये कह रहा है कि भाई गलत है, ठीक है, चूंकि ये एक ओल्ड है तो ये दिक्कत करता है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो फॉलो करो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, तो जस्ट आपने ये जो जीमेल वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आप ईमेल एंड पासवर्ड डाल के साइन इन होने के बाद आपसे मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑफिशियली साइन इन हो चुका है। यहाँ पर मैं एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से देख सकते हैं ये कुछ एरर ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपने करना है इसको क्लोज कर देना, ठीक है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर का एक अपडेट आएगा, तो आपने उस अपडेट तक जो है वो वेट करना है, जब तक ये वो अपडेट नहीं आएगा आपको गूगल प्ले स्टोर स्टेबल नहीं चलेगा। कुछ टाइम इसको दो, ये अपडेट फाइंड करके ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। अभी हम दोबारा इसको लॉन्च करते हैं, तो देखें ये लॉन्च हो जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से इधर से
हमने गूगल प्ले स्टोर को लॉन्च करना है। देख सकते हैं एग्रीमेंट का ऑप्शन आ चुका है, हिट एग्रीमेंट। फिर से ये देख सकते हैं फोर स्टॉप हो चुका है, तो कुछ टाइम इसको वेट करते हैं, ऊपर एक अपडेट भी आएगा तो उसको भी हमने करना है, तो ये सारा ऑटोमेटिकली गूगल प्ले स्टोर अपडेट हो जाएगा। अभी फिलहाल ये दिक्कत कर रहा है तो इसको हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टाइम मतलब एक से दो मिनट तक मैंने जब वेट किया तो ऑटोमेटिकली मेरा गूगल प्ले स्टोर लॉगिन है। एंड ऊपर आप देखें ये अपडेट आ गया गूगल प्ले गेम्स का, इसको आपने अपडेट करना है। तो ये आ जाएगा कुछ दो तीन मिनट के बाद, आपने वेट करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर को ट्राई करते रहना। इधर से हम करते हैं इसको अपडेट होने देते हैं पूरा, क्योंकि जब तक ये अपडेट नहीं होगा हम कोई एप्लीकेशन इसमें रन नहीं कर सकते, कोई एप्लीकेशन हम खेल नहीं सकते, कुछ ऐप्स इसमें शो नहीं होंगे, तो इसको जल्दी से अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप फ्री फायर को भी जो है वो खेल सकते हो, ठीक है। फ्री फायर के जितने भी गेम्स हैं आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप उन गेम्स को एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर हम करते हैं कोई डिसेंट सा गेम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक गेम डाउनलोड करी, मैंने रैंडमली जो है गूगल प्ले स्टोर से इस गेम को डाउनलोड किया, ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना भाई ये कौन सा डाउनलोड कर लिया, रैंडमली मैंने डाउनलोड किया और भी कुछ गेम्स डाउनलोड लगाए हुए हैं, तो उनकी बेंचमार्क मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। फिलहाल अभी हम इसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको गाइड वगैरह करना है तो वो भी कर दूंगा। देख सकते हैं ये गेम इसने कितनी जल्दी इसको जो है वो लॉन्च कर लिया। अभी ये रैंडमली मैंने पिकअप किया है, ठीक है, आप कोई और भी कर सकते हो। ये मत बोला भाई ये कौन सा गेम उठा लाए हो, क्योंकि आपको गाइड करना है कौन कौन से गेम्स और सेटिंग क्या रखनी है सारा कुछ, तो इसलिए। अच्छा तो यहाँ पर ये गेम चल चुका है, पता नहीं ये की मैपिंग वाला गेम है। अब की मैपिंग के बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। की मैपिंग कैसे करनी, ऊपर जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। अब पता नहीं ये गेम कौन सा यार, इसमें पहले देख लेता हूँ। ये जंप वाला बटन है, फायर वगैरह करते हो लेफ्ट राइट, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आपको इसके ऊपर तो हमारे टैब वाले बटन यूज होंगे, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ जी ए कन्फर्म, इधर भी ए रख देता हूँ हिट कन्फर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई हमने अपने बटन सेट कर लिए, ठीक है। गेम तो मजे का लग रहा है। तो इस तरीके से आपने इसकी की मैपिंग करनी है। और सरप्राइजिंग वाली बात बताऊं, यहाँ पर आप जो है वो फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स को भी खेल सकते हो। जी हाँ, ये एमुलेटर कंपेटेबल है फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स को जो है वो चलाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने की मैपिंग सारी की सारी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इस एमुलेटर को यूज कर सकते हो। अब इस वीडियो अब ये तो मारना है इसको, चलो इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं यार, गेम तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इस गेम को थोड़ा सा खेलते हैं, बाकी मैं कुछ गेम प्ले आपके सामने जो है वो यहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप गेम प्ले को एंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एमुलेटर से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।